हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके बीए प्रोग्राम करने वाले बच्चों के कोर्स से। हाँ जी दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल रेगुलर बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, उनके कोर्स में हिस्ट्री में जो आपके आपको पता ही होगा 2019 से इसी साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। तो सेमेस्टर वन यानी फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर वन जिसके एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं उनके कोर्स में अगर हिस्ट्री है उन बच्चों के कोर्स में, तो उनके हिस्ट्री में आरंभिक काल से तीसरी सदी तक का भारत का इतिहास आने वाला है, जिसका सिलेबस पूरी डिटेल मैं आपको लेके आया हूं। और मैं ये भी बता दूं कि इस किस तरह से मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, इस कोर्स की किस तरह से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक टॉपिक मैंने इसमें बताया है। आप ध्यान से समझिए, कोर्स समझना भी बहुत जरूरी है, आपको पता चल जाएगा आपका सिलेबस क्या है तो उस हिसाब से आप उसको डील भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर सिस्टमैटिकली कोर्स कराता रहता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हिस्ट्री का कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर यानी सेमेस्टर वन का, जो कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। देखिए आपके कोर्स में सबसे पहले इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां और स्रोतों का सर्वेक्षण, ये पहली इकाई है जिसके अंदर मैं आपको चार टॉपिक में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इतिहास का अर्थ क्या है, परिभाषा, क्षेत्र, रूप व महत्व क्या है, इसके बारे में मैं आपको इतिहास की पूरी डिटेल दे दूंगा इस वीडियो में। दूसरी वीडियो में आपको दूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की समस्या क्या आई है हमारे सामने, अगर हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन को लिखना पड़ा तो हमारे सामने क्या समस्या आई थी और इसकी विशेषता क्या है। तीसरी वीडियो में मिलेगा आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का दृष्टिकोण व धारणा, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर हमारा क्या दृष्टिकोण है या विदेशी लोगों का क्या दृष्टिकोण है, क्या धारणा है, उसके बारे में इसमें डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। फिर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, देखिए कहाँ से हमारे को सोर्स क्या है, हमारे भारत हमें अपने इतिहास को जानने का जो हमारा सोर्स है वो क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगा। तो पहली इकाई आप ध्यान रखें, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। सेकंड इकाई है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, यानी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। देखिए इसमें आपको छह पार्ट में वीडियो मिलेगी, जिसमें सबसे पहले पुरापाषाण काल के बारे में होगा, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में, फिर होगा नवपाषाण काल के बारे में, फिर खाद्य उत्पादन का आरंभ, यानी कि जब हमने खेतीबाड़ी, यानी हमारे इतिहास का में खेतीबाड़ी शुरू हो गई थी हमारे प्राचीन इतिहास में, ठीक है। फिर है लोहयुगीन संस्कृति, यानी जब मनुष्य ने धातु का यूज करना शुरू कर दिया था। फिर आता है नवपाषाणकालीन संस्कृति। तो छह पार्ट में पूरी यूनिट आपको डिटेल में समझा दूंगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पाई नगर नियोजन, यानी हड़प्पा के समय में नगर नियोजन किस तरह से थे, सामाजिक जीवन उनका कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था उनका, क्या कलाएं उन्हें आती थी, धर्म शासन पद्धति किस तरह से थी उनकी, तो इसके बारे में आपको डिटेल में हड़प्पा के बारे में एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगला है वैदिकोत्तर काल, यानी वैदिक समय में क्या कार्य होते थे, किस तरह से हमारी संस्कृति थी, तो उसके बारे में आपको तीन पार्ट में वीडियो मिल जाएगी। पहला है ईसा पूर्व छठी से लेकर चौथी सदी में विकास व नए धार्मिक आंदोलन, जब नए धर्म उत्पन्न हुए पनपे भारत में, तो उसके बारे में डिटेल में। दूसरा है आरंभिक राज्य व नगरों का उदय, नए नए राज्य हुए, नए नए नगरों का उदय हुआ, उसके बारे में। और तीसरा है आरंभिक राज्यों का गठन, फिर वो किस तरह से एकजुट हुए, किस तरह से उन्होंने अपने शासन को एक मिलजुट होकर चलाया, तो इसके बारे में आपको वैदिकोत्तर काल की वीडियोज में मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा वैदिक संस्कृति के बारे में। देखिए मैं बता दूं, अगली जो यूनिट है आपके कोर्स की वो है वैदिक संस्कृति, वैदिक लोगों की क्या संस्कृति थी, उसके बारे में मैं आपको दो वीडियो में पूरी डिटेल दे दूंगा। वैदिक साहित्य में समाज कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसे चलता था, धर्म कैसे था वहाँ का, ठीक है ना। फिर अगला है दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ, तो दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन संस्कृति कैसी थी, वैदिक साहित्य में अलग से या वैदिक संस्कृति में अलग से एक यूनिट है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो दो पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगली यूनिट आती है मौर्य साम्राज्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको दो पार्ट में वीडियो देके पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म कर दूंगा, जिसमें पहली वीडियो में मौर्य राज्य, वहाँ का प्रशासन और अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा है अशोक का धर्म या धर्म कह लें, कला एवं वास्तुकला कैसी थी। वैसे ऑलरेडी मैंने अशोक के धर्म के ऊपर मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपको देखना है तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग या न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं उसके हिसाब से भी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगला है सुदूर दक्षिण, ये अगली यूनिट है, इसमें क्या है संगम युग के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें वहां का साहित्य, समाज और संस्कृति कैसी थी। उसकी अगली यूनिट है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्योत्तर काल
किस तरह से था, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का काल को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। उस काल के बारे में मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपका सिलेबस आने वाला है कोर्स में, है ना, और किस तरह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चैनल से जुड़े रहिए, सिस्टमैटिकली मैं आपको वीडियो देना शुरू कर रहा हूँ, विद इन 20 डेज के अंदर मैं कोर्स खत्म करा दूंगा। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक ही हमें सपोर्ट करते हैं। जब भी हमें अच्छा लगता है कि आप लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तभी हम और मेहनत करते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और मैंने अपने चैनल पर अभी हाल ही में एनवायरमेंटल साइंस को लेकर भी सिलेबस अपलोड कर दिया है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड कर दिया, और राजनीति विज्ञान यानी सेमेस्टर वन में आपका पॉलिटिकल साइंस में क्या सिलेबस आना है वो भी अपलोड कर दिया। प्लीज़ विजिट करके चैनल पर उन्हें भी देख लें। मैं जल्दी पहली वीडियो के साथ आपको फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।